थोड़ा मुश्किल की तरफ चलते हैं. यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम. अच्छा जी, सपोज है ये है वी हैव ऑलवेज ओबेड यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं. स्पीकर यू है, स्पोकन टू हिम है, ऐसे ही रहेंगे यू एंड हिम. सेट टू, टोल्ड में तब्दील हो गया, कॉमा की जगह दैट आ गया. दीज आर द चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब. नाउ रिपोर्टेड स्पीच, वी प्रोनाउन आ गया हमारे पास. अब वी जो है इसके तीनों केसेस ये रहे, वी अस आर. इत्तेफाक से पिछले सेंटेंस वाला केस ही लिखा हुआ है, वही काम आ जाएगा. वी अस आर, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर. स्पीकर कौन है? यू. अब यू के तीनों केसेस चाहिए आपको, दे के नहीं. तो यू के तीनों केसेस, यू, यू एंड योर. अब देखो दोबारा बता रहा हूं, वी तीनों केसेस आ गए, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, स्पीकर यू है, यू के तीनों केसेस यहां आ गए. अब यहां क्या है? वी है, तो जाहिर है कि वी की जगह क्या आएगा? यू. स्मॉल से बात बच्चे ना, इनडायरेक्ट स्पीच में यहां कैपिटल था तो यहां भी कैपिटल करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा. अच्छा जी, ये स्मॉल लेटर से आएगा यू. दूसरा तरीका क्या था? वी फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर से चेंज हुआ, स्पीकर यू है, तो यू आ गया. सब्जेक्टिव केस चाहिए था. और असल में यू ने, तुमने अपने आप को वी कहा था. मैं तो तुमको तुम कहूंगा ना, यू कहूंगा भाई. यू ने अपने आप को वी कहा था, मैं तो यू को यू ही कहूंगा, यू कह रहा हूं. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में. अब यहां देखो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट. हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड. अब आप कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है भाई, हुआ करे, हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में थोड़ी चेंजेस होती हैं, फोर्थ फॉर्म में थोड़ी चेंजेस होती हैं. तो सिंपल मेथड याद रखो ना, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड आ गया, सेकंड फॉर्म बन गई. ऑलवेज ओबेड, देखो थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी. यू, अब यू है, यू के तीनों केसेस ले आओ. यू के तीनों केसेस क्या हैं? यू, यू और योर. आ गए तीनों केसेस. कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन कौन होता है? स्पोकन टू. स्पोकन टू कौन है? हिम. हिम के तीनों केसेस ले आओ, ही, हिम, हिज. तो ये वाला यू जो है ये तो वर्ब के बाद है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है. तो ये वाला यू है, देखो भाई, ये यू वर्ब से पहले था, सब्जेक्टिव केस. ये यू वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव केस. अब ऑब्जेक्टिव केस है यू, तो यू की जगह आएगा हिम, ये आ गया हिम. दूसरा तरीका, ये यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज स्पोकन टू, स्पोकन टू क्या है? हिम. हिम ऑब्जेक्टिव केस है, एज इट इज आ गया. और हकीकत में यू ने जिससे बात कर रहे थे वो एक ही है, यू ने ही से कहा था, ठीक है ना. तो यू ने ही को यू कहा होगा, मैं तो ही को ही कह रहा हूँ, हिम कहूँगा, ठीक है ना. अच्छा, कंप्लीट हो गया. यू टोल्ड हिम दैट यू हैड ऑलवेज ओबेड हिम. You had always obeyed him. Past perfect बना है, present perfect जो था वही होगा जो chart में होता है. लेकिन chart की जरूरत नहीं है ना, जो logic बताई है, first form, second form में, second form, had plus third form में. और देखिएगा, समझ में आ गया? Very good. Next sentence. Comments में बताइएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर मैं उसको और मज़ीद explain कर दूँगा. Sentence बता रहा हूँ. She said to me, she said to me, I prepared stewed meat for you yesterday. ठीक, अब इनडायरेक्ट बनाना है,
शी स्पीकर है, मी स्पोकन टू है, शी टोल्ड आ जाएगा, मी कॉमा की जगह दैट आ गया, आई। अब ये जो आई है इसके तीनों केसेस ले आइए, आई मी माय, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? शी। शी के तीनों केसेस ले आइए, शी हर हर। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आई की जगह शी आएगा या आई की जगह शी आ गया। भाई शी ने अपने आप को आई कहा था ना, मैं तो उसे शी कहूंगा। ठीक। प्रिपेयर्ड कौन सी फॉर्म है? सेकेंड या थर्ड? याद कीजिए, मैंने एक्सप्लेन किया था ये कि अगर डी डी टू में एक्सप्लेन किया था कि पास वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कोई बात नहीं, रेगुलर वर्ब है इसलिए ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है। सेम है, हम कैसे पहचानेंगे ये सेकेंड या थर्ड है? सेकेंड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का आपस में झगड़ा है। सेकेंड फॉर्म होगी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, दोनों एक साथ एक जगह नहीं आ सकते। तो सेकेंड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बट थर्ड फॉर्म कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। एज अ वर्ब जब भी इस्तेमाल होगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से हम कहेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म। तो अब मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज होती है और सेकेंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये सेकेंड फॉर्म है, हैड अपने पास से लगाया, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड स्ट्यूड मीट फॉर यू। अब एक और प्रोनाउन आ गया यू। अब ये जो यू है इसके तीनों केसेस लिख लीजिए। यू के तीनों केसेस क्या हैं? यू यू योर, बहुत सिंपल है। यू यू योर, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन कौन होता है? स्पोकन टू होता है। स्पोकन टू कौन है? मी। मी के तीनों केसेस ले आइए। मी के तीनों केसेस क्या हैं? आई मी माय। अब यहां देख लीजिए कि ये यू किसी वर्ब से पहले नहीं है बल्कि वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू की जगह क्या आ रहा है? मी। भाई शी ने मुझसे कहा था, तो शी ने अपने आप को आई कहा था, मैं उसे शी कहूंगा। शी ने मुझे यू कहा था, मैं तो मुझे मी कहूंगा, मी कह रहा हूं। ठीक है। अच्छा यस्टरडे, अब ये जो यस्टरडे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम जब हमने टेंस चेंज कर दिया यानी टाइम चेंज कर दिया तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज होगा। जिस दिन ये बात कही गई थी उस दिन का प्रीवियस डे था यस्टरडे। आज मैं कन्वे कर रहा हूं आपको ये मैसेज, आज मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो यकीनन आज का प्रीवियस डे यस्टरडे कुछ और होगा, है ना? तो मुझे तो उसी दिन के रेफरेंस में बात करनी है, तो मैं कहूंगा द प्रीवियस डे यानी उस दिन का यस्टरडे, आज का यस्टरडे नहीं। या मैं कहूंगा द डे बिफोर यानी उससे एक दिन पहले। ठीक। शी टोल्ड मी दैट शी हैड प्रिपेयर्ड स्ट्यूड मीट फॉर मी द प्रीवियस डे, और शी टोल्ड मी दैट शी हैड प्रिपेयर्ड स्ट्यूड मीट फॉर मी द डे बिफोर, राइट? अच्छा अब एक मसला है, ये स्ट्यूड मीट क्या होता है भाई? चलते चलते ये भी बताते चलते हैं। अक्सर हमारे घरों में खाना बनता है, भुना हुआ गोश्त बनता है, प्याज में सालन बनता है, तो उसे हम घर की ख्वातीन वगैरह से सुनते हैं स्टू बना है। भाई स्टू नहीं होता या स्टू नहीं होता, स्ट्यू। स्ट्यू जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है भूनना। जब सालन को भूनते हैं ना उसको कहते हैं स्ट्यू, और ईडी लग गया थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है, नाउन को डिफाइन कर रही है। स्ट्यूड मीट, कैसा मीट है? स्ट्यूड। तो ये
एडजेक्टिव है, स्ट्यूड यानी भुना हुआ, भुनवा गोश्त, स्ट्यूड मीट, पूरा लफ्ज़ है स्ट्यूड मीट, ठीक है ना। किचन वाली इंग्लिश भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि कुकिंग मेरा शौक़ है, तो कुछ किचन की इंग्लिश भी मुझे आती है, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। मसलन चावलों को जब दम पे रखते हैं तो दम करने के लिए क्या कहते हैं, वो वाला दम नहीं जो मौलवी साहब करते हैं छू करके, दम करना, चावलों को दम करना, तो वो दम करना क्या कहलाता है भाई, सिमर, सिमर, ठीक है ना, सिमर कहलाता है। तो और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, वोकैबुलरी की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, समझ में आया। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। हाँ देखिएगा, बता दूं, अब देखिएगा, एक थोड़ा सा मुश्किल करता हूं आपके लिए। द लेडी सेड टू हिम, चलें यूं कर लें, द लेडी सेड टू हिम। अच्छा ये सेड है, प्लीज इसको सेड मत पढ़िएगा, अक्सर लोग प्रोनाउंस गलत करते हैं, बल्कि प्रोनाउंस गलत करते हैं और कहते हैं भाई आपका तो प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। एक्सक्यूज मी, प्रोनाउंसिएशन इज नो वर्ड इन इंग्लिश, द वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग देखिएगा, कभी डिक्शनरी देखा करें, डिक्शनरी में एन यू एन है, एन ओ यू एन नहीं, हाँ प्रोनाउंस वर्ब है, प्रोनाउंस का नाउन है प्रोनंसिएशन। 90% पढ़े लिखे लोग भी प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज नो वर्ड एट ऑल, द वर्ड इज प्रोनंसिएशन, 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 राइट। चले तो इसका प्रोनंसिएशन है सैड, सेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, द लेडी सेड टू हिम, योर अंकल वॉज एब्सेंट द डे बिफोर यस्टरडे। इनडायरेक्ट बनाना है, बनाते हैं जनाब। स्पीकर कौन है, द लेडी, स्पोकन टू कौन है, हिम, द लेडी और हिम ऐसे ही आ गया, यहां सेट टू की जगह टोल्ड आ गया। अच्छा इन्फॉर्म्ड भी आ सकता है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन, तो मैं क्यों ना कहूं द लेडी इन्फॉर्म्ड हिम, इट मे बी, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग पर्सन। मैं सिंपल बना रहा हूं ताकि सब बच्चों के एक जैसा समझ में आ जाए। कॉमा की जगह दैट, अब आ गया प्रोनाउन यू, यू, योर, योर के तीनों केसेस ये लिखे हुए जनाब, योर के तीनों केसेस ऑलरेडी लिखे हुए, यू, यू, योर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन होता है, स्पोकन टू, और स्पोकन टू कौन है, हिम, और हिम के तीनों केसेस क्या हैं, ही, हिम, हिज। तो सिंपली हमें नजर आ रहा है कि योर की जगह हिज आएगा, ठीक। अच्छा, लेडी ने हिम के अंकल को योर अंकल कहा था, मैं तो हिम के अंकल को हिज अंकल कहूंगा, कह रहा हूं हिज अंकल वॉज। अब ये वॉज कौन सी फॉर्म है, अभी बताया था बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो बी किस में चेंज होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड तो हेल्पिंग वर्ब आ गया ये, और वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन एब्सेंट। द डे बिफोर यस्टरडे एडवर्ब है, द डे बिफोर यस्टरडे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लिहाजा मैंने टेंस चेंज किया यानी टाइम चेंज किया, जब टाइम चेंज हुआ तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज होगा। द डे बिफोर यस्टरडे किस में चेंज होगा, द डे बिफोर यस्टरडे चेंज होगा टू डेज अर्लियर, टू डेज अर्लियर, ठीक है। अच्छा जी,